आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और फाइनली मैं आ चुकी हूँ मेघुराम चक्रधारी जी के यहाँ, जहाँ पर गणेश जी की मूर्तियाँ बनना स्टार्ट हो गई है और बहुत सारी मूर्तियाँ तो बन भी चुकी है, सूख रही हैं और वाइट पेंट भी हो चुकी है। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं, मैं दिखाती हूँ। गणेश चतुर्थी जो है वो सितंबर मंथ में होने वाला है और जल्दी से देखते हैं किस टाइप की मूर्तियाँ यहाँ पर बन रही है। तो ये देख सकते हो ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है अभी, ठीक है, थोड़ा सा गीला है और यहाँ पर काफ़ी सारी जो मूर्तियाँ ना वो पैक हो चुकी है। आप बादल देख सकते हो क्योंकि बादल छाड़ चुके हैं, ठीक है। और इधर ना बहुत सारे अच्छे अच्छे और ये मेघुराम जी हैं मेन जो हैं, है ना, इन्हीं का ये गोडाउन है यहाँ पर। ये नाश्ता पानी चल रहा है क्या यहाँ पर? ओ बंदर के लिए हे भगवान, बंदर के लिए मुर्रा। तो ये देख सकते हो ये बंदर के लिए मुर्रा रखा हुआ है और ये मूषक है और वहां पर जो है गणपति बप्पा जो है बन रहे हैं, छोटे वाले गणेश जी। ये देख सकते हो ये छोटे से गणेश जी है जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट से लग रहे हैं। और इधर एक और गणपति बप्पा है। ये जो सबसे बड़ा वाला है वो कहाँ जाने वाला है? ये वाला नांदो। और ये जो आप बना रहे हो वो? अच्छा, ये देख सकते हो ये ऐसे चिकना वाला जो मिट्टी है और वो वहां पर मिट्टी जो है घुलने के लिए रखा गया है। ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा सुंदर सा तैयार हो रहा है। मिट्टी देख सकते हो कितना प्लेन सा रहता है। अंदर चलते हैं, अंदर देखते हैं गोडाउन में। गोडाउन में तो यार बहुत सारा जो गणपति बप्पा है वो बन चुका है, ठीक है। ये देख सकते हो आप लोग सब गीले हैं अभी ऑलमोस्ट। ये देख सकते हो ये भी काफी बड़े हैं। ये सांचा है, उनका मुकुट वाला सांचा है। ये क्या चीज बना रहे हो आप? अच्छा, ये उंगली बनाया जा रहा है गणेश जी का और वो उनका जो पहनते हैं ना हाथ पैर में। और ये देख सकते हो किस तरीके से मिट्टी को फ्री किया जा रहा है। और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गणपति बप्पा जी जो हैं बन चुके हैं, दिखाते हैं। और ये है शिव जी, शिवलिंग, ये बन चुका है, इसमें वाइट कलर का पेंट हो चुका है। ये देख सकते हो ये थोड़ा सा यूनिक सा है। और ये वाले जो बाल गणेश जी जो होते हैं ना क्यूट से, वो हैं ये, और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं यार। और छोटे छोटे वाले भी गणेश जी यहाँ पर बन चुके हैं, ये देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर भी काफ़ी बड़े से हैं, डिज़ाइन सिंपल है बट इनका जो बैक वाला है उसमें डिज़ाइन बनेगा, कलर होगा तो अच्छा लगेगा। ये देख सकते हो। और वो राम अवतार वाले जो गणेश जी होते हैं ना, अभी जो अयोध्या वाले राम जी बने हैं हमारे, उस टाइप का दिया गया है उनको लुक जो है। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहा है। बाकी इनके में ऐसा पता नहीं क्यों तिलक लगाया गया है। और ये वाले गणेश जी देख सकते हो, ये भी ऐसा राम अवतार टाइप का उनको धनुष बाण पकड़ाया गया है। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये देख सकते हो छोटे छोटे से क्यूट क्यूट से हैं। इधर तो दुर्गा माता जी हैं, इधर सभी दुर्गा माता जी, उस साइड गणेश जी हैं। तो उधर मैं लेके चलती हूँ आप लोगों को। ये देख सकते हो ये भी अभी रिसेंटली बने हैं, गीले दिख रहे हैं, मिट्टी जो है गीली दिख रही है, देख सकते हो आप लोग। यहाँ वाले जो गणेश जी है ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक लग रहे हैं, देख सकते हो आप लोग। यहाँ पर ऐसे हनुमान जी है, बनाने में
यस, फिलहाल तो इतनी मूर्तियाँ बनी हुई हैं, तो बहुत सारी ही बनी है, फिर भी थोड़े दिन बाद आएंगे जब कलर होना स्टार्ट होगा ना, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कलर होने के बाद कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। अभी तो अधूरा है, बन गया है बट कलर वगैरह नहीं हुआ है, तो जब बनेगा अच्छे से कलर होगा ना, तब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो यदि अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, सो टिल देन बाय, सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो।